तो जैसे कि दोस्तों निसान की ये जबरदस्त कार होने वाली है भारतीय बाजार में नए BS6 इंजन के साथ लॉन्च। तो चलिए जानते हैं कौन सी है ये कार, क्या है कीमत और क्या है फीचर्स। तो जैसे कि दोस्तों निसान ने हाल ही में कंफर्म किया है कि वह अपनी जल्दी नई BS6 निसान डेज को भारतीय बाजार में हम सभी के लिए लॉन्च करने वाली है। वैसे तो दोस्तों निसान की ये कार ग्लोबल मार्केट में काफ़ी पसंद की जाती है। अब भारतीय बाजार में भी ग्राहकों को देखते हुए इस कार को लॉन्च किया जाना है। इसमें नया आपको 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन निसान का देखने को मिलेगा, जो कि इस सेगमेंट में सबसे पावरफुल इंजन होने वाला है। बताना चाहूंगा कि दोस्तों निसान किक्स के मुकाबले ये कार काफी अच्छी परफॉर्मेंस में भी है और साथ ही साथ माइलेज भी आपको काफी प्रदान करती है। तो आगे जानते हैं और साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि BS6 कंप्लीट निसान की डेज 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में उतारी जाएगी। इसमें 106 PHP वाला 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन शामिल होगा, जो कि आपको 156 HP की पावर, और नया इंजन जो कि आपको मिलने वाला है वो है 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल किया गया है। निसान डेज के BS6 मॉडल में डीजल इंजन का ऑप्शन अभी नहीं उपलब्ध करवाया गया है। 1.5 लीटर के इंजन के साथ मैन्युअली गियरबॉक्स आपको मिलेंगे, वही 1.3 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैन्युअली तथा AMT ट्रांसमिशन का विकल्प भी देखने को मिलता है। दोस्तों माइलेज की बात करी जाए तो लीक रिपोर्ट के अनुसार BS6 कंप्लीट निसान डीज में आपको 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन का माइलेज करीबन 25.1 किलोमीटर प्रति लीटर का प्रदान कर पाने में जबरदस्त पावर रखेगी। वहीं इसके दूसरे वेरिएंट की बात करें, जो कि 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि टर्बोचार्ज वेरिएंट के साथ आता है, उसमें आपको करीबन 31.3 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज प्रदान कर पाने में जबरदस्त पावर होगी। दोस्तों अगर वेरिएंट की बात करी जाए तो भारतीय बाजार में नई BS6 कंप्लीट निसान डेज को 4 वेरिएंट में हम सभी के लिए उतारा जाएगा, जिसमें से दोस्तों XL और XV और XV प्रीमियम शामिल है। बताना चाहूँगा दोस्तों कि 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन वाले शुरुआती वेरिएंट आपको XL और XV में मिलेंगे। वहीं इसके दूसरे वेरिएंट की बात करें, जो कि XV और XV प्रीमियम है, उस वेरिएंट के अंदर आपको मैनुअली तथा AMT गियरबॉक्स के साथ टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों अगर फीचर्स की बात करें तो अब बताना चाहूँगा कि इसके बेस वेरिएंट के अंदर आपको 6 तरीके के एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ LED DRLs और पावर विंडो और इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेशन के साथ पावर एडजस्टेबल विंग्स मिरर और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर AC वेंट्स जैसी सुविधाओं को शामिल किया है। अगर दोस्तों टॉप वेरिएंट की बात करें इस कार की, जो कि प्रीमियम होने वाला है, उसके अंदर आपको 360 डिग्री के कैमरा और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट की सुविधा मिलती है। बताना चाहूँगा दोस्तों इसके बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, मगर फर्क इतना है कि बस बेस वेरिएंट पे आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और अगर इसके टॉप वेरिएंट की बात करें जो कि प्रीमियम है, उसके अंदर आपको 11 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको LED हेडलैम्प्स और लेदर फिनिशिंग, अप होल्ड सीट और क्रूज कंट्रोल और पुश बटन स्टार्ट और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और वाइपर्स जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है। अब दोस्तों बात करें लॉन्चिंग और कीमत की, तो निसान ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि भारतीय बाजार में वो अपनी नई कार डेजी को हम सभी के लिए 4 वेरिएंट में उतारने वाली है, और जैसे कि स्टार्टिंग कीमत दोस्तों मात्र 3.50 लाख रुपीस से होने वाली है। अगर टॉप वेरिएंट की बात करें तो करीबन दोस्तों 5.60 लाख रुपीस तक जाने वाला है। चारों ही वेरिएंट में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे, वहीं टॉप वेरिएंट में आपको थोड़े से एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं। लॉन्चिंग की बात करी जाए तो दोस्तों अभी तक अनुमान यही लगाया जा रहा है कि भारतीय बाजार में निसान अपनी इस नई कार को अगस्त या फिर जुलाई तक लॉन्च कर सकता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में फटाफट जाके अपनी राय और अपना सिटी का नाम और अपना नाम लिख के हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।